अच्छा भाई दोस्तों, ये जो है भाई फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर जो है वो तैयार हो गया है। 37.8 पे जो है वो ये ट्रिप कर जाएगा। और ये देखें भाई, ह्यूमिडिफायर यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। इस पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये मैंने वैसे फोर सेल के लिए मैं रखूँगा ये। उसमें आप खुद डिफरेंस महसूस कर सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या इनके साइज़ हो गए। जो हमारे बड़े वाले चूज़े हैं ना, ये छोटी मुर्गियाँ जिन्हें कह लें, वो आखिर में दिखाऊंगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छे साइज़ हो गए इनके। काफ़ी दिन से बेगम कह रही है कि भाई आपको ये मुर्गी काटें और बिरयानी विरयानी बनाते हैं इसकी। मैंने कहा बाकी दो भाई मेरे पास RIR2 के जो है वो चूज़े आए हुए, ये देखें भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद जो है भाई इस चैनल पे व्लॉग आ रहा है, और मसरूफियत की वजह से भाई आए मार्च पे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो आज भाई यहाँ पे जो है कम्प्लीट अपडेट जो है मैं शेयर करूँगा अपने चिकन्स की। और गुड न्यूज़ है भाई वो ये कि फाइनली भाई इंक्यूबेटर भी फुली ऑटोमेटिक तैयार हो गया है। तो पहले चल के भाई इंक्यूबेटर को चेक करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह तमाम जो मुर्गियाँ हैं उनके अपडेट लेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, ये जो है भाई फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर जो है वो तैयार हो गया है। और अभी जो है मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ कि भाई किस तरीके से ये काम कर रहा है और क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं। सबसे पहली चीज़ भाई, एग रोटेशन जो है वो फुली ऑटोमेटिक है इसमें, और ये इसकी कैपेसिटी जो है वो 100x की है, 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे। इसके अलावा भाई नीचे जो है वो एक हैचिंग के लिए बास्केट दी हुई है, तो यहाँ पर जब अंडों की जो है रोटेशन कम्प्लीट हो जाएगी 18 डेज बाद, तो हम उसको यहाँ पर रख देंगे हैचिंग के लिए। और इसकी रोटेशन वगैरह कैसे होती है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके अलावा भाई यहाँ पर कंट्रोलर्स हैं, ये जो है वो टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये जो है वो ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है, और ये जो है वो एग रोटेशन का कंट्रोलर है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपको अंदर दिखाऊं तो ये एक जो है वो फ़ैन यहाँ पे दिया हुआ है। ये फ़ैन बेसिकली यहाँ से जो है वो हवा को कंप्लीट जो है वो इस पूरे पोर्शन में सर्कुलेट करेगा। और गर्म हवा इसको कहाँ से मिलेगी, ये पीछे जो है वो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से जो गर्माइश होगी इस चैम्बर में जो गर्माइश होगी वो उसको बेसिकली खींचेगा और यहाँ पर जो है वो उसको मुंतकिल करेगा। अच्छा सेंसर जो है ना, मैंने वो पीछे जो है वो सेंसर लगाया हुआ है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों का, और बिल्कुल इस तरीके से लगाया है कि ये इस बॉडी के तकरीबन सेंटर है, ताकि इक्वली जो है वो जो एयर है या ह्यूमिडिटी है वो सर्कुलेट हो सके या इसको सेंस कर सके। अच्छा ट्रेस को मैंने ऐसे प्लेस किया है कि इसको थोड़ा सा मैं मतलब इसकी वायरिंग तो यहाँ पर हुई भी है, बट इसमें थोड़ा सा मैंने ये मार्जिन रखा है कि इसको हम बाहर निकाल सकें हल्का सा, और ये यहाँ तक बाहर आ जाएगी ताकि अंडों तक जो है हमारा ईजिली एक्सेस हो सके और इसको फिर हम जो है वो दोबारा प्लेस कर सकें। तो बहुत सिंपल स्लाइडिंग मैकेनिज्म है इसका, और सिंपल ही भाई ऊपर का भी ऐसी है, आराम से इसको हम स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ तक ये ट्रे बाहर आ गई और अंडों तक जो है हमारा हाथ आसानी से पहुँच जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो चलें भाई, ये तो हो गया ट्रे वाला सिस्टम। अच्छा अब यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास ह्यूमिडिफायर है और काफ़ी अच्छी ह्यूमिडिटी ये बनाता है। और बल्ब का ऑप्शन मैंने दो दिए हैं यहाँ पे, एक जो है वो अभी मैंने इस वजह से लगाए हुए, गर्मियाँ हैं ज़्यादा जो है वो हीट की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में हम यहाँ पे दो बल्ब लगा सकते हैं ताकि जो है वो आसानी के साथ जो है वो हीट यहाँ पे जनरेट हो जाए। बाकी इसकी वायरिंग वगैरह सारी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सब ऊपर मैंने करी हुई है। और अभी जो है मैं इसकी आप लोगों को वर्किंग दिखाता हूँ, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये भाई इसके सर्किट ऑन हो गए और पीछे से भाई ये बल्ब ऑन हो गया। अभी जो है वो टेम्परेचर आप देखें, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, 37.5, 37.8 पे जो है वो ये ट्रिप कर जाएगा। और ये देखें भाई ह्यूमिडिफायर यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, प्रॉपर जो है वो फॉग बन रही है। और आप ये देखें भाई फ़ैन के ज़रिए फ़ैन इसको जो है वो खींच रहा है, ये देखें भाई कितने आराम से इसको खींच रहा है, और ये इस चैम्बर में बेसिकली जा रही है ये। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता हूँ, ह्यूमिडिटी हम चेक करेंगे 2-3 मिनट बाद की बढ़ रही है कि नहीं, और टेम्परेचर हम चेक करेंगे। अच्छा मैं रोटेशन आप लोगों को दिखा दूं, रोटेशन मैंने 5 मिनट के लिए सेट की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो घूमता है, तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसको सेट किया हुआ ताकि अंडा जो है पूरे तरीके से रोटेट कर जाए। और ये आप निशान से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखें नीचे जा रहा है, इसकी रोटेशन हो रही है इसी तरीके से भाई, यहाँ पर आप इस निशान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोटेशन हो रही है। तो भाई प्रॉपर ये रोटेशन हो रही है, बहुत स्लो रोटेशन होती है इसमें। अच्छा इसमें जो है वो जब अंडा रखेंगे तो इसमें थोड़ा सा जोर पड़ेगा इन पर गरारियों पर, तो ये गरारियाँ जो इसके ऊपर आसानी के साथ बैठ जाएंगी। तो मैं इसमें 2 अंडे भी रख देता हूँ। तो ये भाई 2 अंडे मैं रख रहा हूँ निशान के साथ, निशान मैंने ये कर दिया है ऊपर, ये देखें भाई ये ऊपर टॉप पर निशान आ गया, इसी तरीके से भाई इसका निशान भाई ये आ गया टॉप पर, ये इसका निशान आ गया। तो अभी जब तक ये टाइमर कंप्लीट होता है, 0-0 होता है, तब मैं चेक करूँगा कि भाई ये कहाँ तक ये जो है वो रोटेशन होके गया है, ये और ये। बाकी इसको अभी बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका टेम्परेचर राइज और ह्यूमिडिटी राइज देखेंगे भाई कहाँ तक जा रहा है। चलो भाई 2-3 मिनट हो गए, ज़रा चेक कर लेते हैं एक रोटेशन को। और ये देखें ये जो है वो टॉप से जो है वो साइड पर आ चुका है, और यहाँ पर भी भाई टॉप से जो है वो साइड पर आ चुका है, और टाइमर जो है वो भी स्टिल चल रहा है, ये देखें भाई ये रोटेशन हो रही है। और यहाँ पे भी भाई रोटेशन आप देख सकते हैं हो रही है।
तो टाइमर अभी चल रहा है, अभी 123 मिनट इसमें बाकी हैं और ये भी स्टिल अभी चल रहा है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया ना तो ह्यूमिडिटी दोबारा जो है वो ड्रॉप हो गई थी। तो ये सीन है भाई, ट्रिप हो चुका है ये और इस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है भाई, माशाल्लाह से बेहतरीन वर्किंग कर रहा है। इसमें ये है कि इसमें हर चीज़ माशाल्लाह से ऑटोमेटिक है, कहीं से जो आपने कुछ नहीं करना, कोई एयर रोटेशन नहीं है, कोई पानी डालने का सिस्टम नहीं है, मतलब कि कितना कम ज़्यादा करना है पानी, सिर्फ एक दफ़ा ये चेक करना है कि भाई जब ये पानी इस लेवल से कम हो जाए ना तो यहाँ से थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। इसमें फिर ये होता है ना कि ह्यूमिडिटी अगर कम होती है तो पानी के जो है वो प्याले के प्याले ऐड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से तभी जो है वो ह्यूमिडिटी कम्प्लीट नहीं हो पाती। तो इससे ये कि ह्यूमिडिफायर से ये प्रॉपर जो है वो इसको मिस्ट बनाता रहेगा और इसको जो है वो अंदर भेजता रहेगा और ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी। तो भाई ये पोजीशन है और ये देखें भाई अब नीचे तक आ गया, तो कंप्लीट 180 डिग्री जो है वो ये 5 मिनट में घूम जाएगा और ये देखें भाई यहाँ तक आ गया। तो भाई ये इसकी वर्किंग है और ये इस पर अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये मैंने वैसे फोर सेल के लिए मैं रखूँगा ये, तो ये तकरीबन इसकी कॉस्टिंग आएगी 22,000 रुपये, जो 100 लोगों का जो ये इनक्यूबेटर है ये 22,000 रुपये का पड़ेगा। अगर दोस्त जो है वो बनवाना चाहते हैं तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। अभी हो सकता है डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाए क्योंकि सीज़न चल रहा है, तो उसमें भी मेरी मसरूफियत है, हो सकता है बकरीद के बाद का मैं टाइम दूँ या हो सकता है बीच में कोई टाइम मिले तो उसमें मैं बना के दे दूँ। तो खैर दोस्तों ये इनक्यूबेटर की अपडेट थी, अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है नहीं चलाने की। और ये भी बेसिकली ऑर्डर का था, ये मुझे देना है किसी को, अपने दोस्त के लिए मैंने बनाया ऑर्डर पे। तो फिलहाल भाई अभी जो है वो हम लोग मुर्गियों की अपनी अपडेट लेते हैं भाई, हमारी मुर्गियों की क्या अपडेट है। और भाई मोस्ट अवेटेड अपडेट है ये, काफ़ी दोस्त जो है मुझे लाइव स्टॉक एक्सपो भी जो कमेंट कर रहे हैं कि वाजे मुर्गियों की तो आप अपडेट दें, इतना टाइम हो गया। तो चले भाई मुर्गियों की अपडेट स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फैंसी केज के चूज़ों से, और फैंसी केज में जो बड़े वाले चूज़े हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा मैंने लास्ट टाइम जो है वो सबको मिक्स कर दिया था, अब जो है मैंने पार्टीशन कर दी है, जो उससे छोटे वाले चूज़े उनको मैंने अलग कर दिया, उसकी वजह बताता हूँ। और ये इनको चेक करें भाई, ये जो मास्टर केज में ऊपर वाले पोर्शन में चूज़े थे ना ये वो है, और माशाल्लाह इनके दोस्तों साइज़ आप चेक करें। मेरे ख्याल से आप शायद हफ्ते बाद देख रहे होंगे, हफ्ते या 7-8 दिन बाद, तो उसमें आप खुद डिफरेंस महसूस कर सकते हैं, माशाल्लाह क्या इनके साइज़ हो गए। और मैं इनको इसीलिए अपने पास रखना चाह रहा हूँ कि अगर ये मीट पर्पज़ के लिए इनको मैं रखूँ तो बहुत तेज़ जो है उनकी ग्रोथ है। हालांकि सब साथ के ही हैं, ये RIR का चूज़ा देखें और ये देखें अपना ब्रामा का, माशाल्लाह क्या इनमें साइज़ डिफरेंस है। तो ये भाई इनकी अपडेट है, माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है और बहुत अच्छे साइज़ है और बहुत अच्छे कलर्स है भाई माशाल्लाह। बाकी भाई ये जो है जो ब्रामा वाले इसमें मोस्टली चूज़े हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें भाई, ये है भाई ब्रामा वाले चूज़े, और इनको मैंने अलग यूँ करा है कि जब ये मैंने इनको साथ ही मिक्स किया हुआ था ना, तो जो बड़े वाले चूज़े थे ना वो उनको फीड पे और पानी पे आने नहीं दे रहे थे, तो ये यहाँ पे डरे हुए ना कोने पे सहमे में बैठे हुए थे। तो मैंने पार्टीशन लगा दिया है और अब जो है वो ये अलग है और दाना पानी इनका यहाँ पर अलग है, और आप इनके साइज़ देख सकते हैं, एक्टिविटी देख सकते हैं, माशाल्लाह से ये सारे हेल्दी एंड एक्टिव है। और एक दोस्त मुझे कह रहे थे कि वाज भाई जो आपके पास हीरा वाला है वो दिखा दें, ये वाला जो है वो आई थिंक हीरा वाला है, ये पीछे जो है ना मुझे कंफर्म नहीं है, लग मुझे हीरा ही रहा है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इसमें हीरा है कि नहीं है मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने जब नज़र बर्ड से मैंने अंडे लिए तो उसमें उन्होंने बताया था कि इसमें हीरा का भी अंडा है। तो ये बेसिकली मुझे लग रहा है हीरा का है। बाकी भाई ये जो सारे चूज़े माशाल्लाह से सारे हेल्दी एंड एक्टिव है और इनकी भी अपडेट आ गई है भाई। बाकी भाई दोस्तों एक बजीज की भी अपडेट चेक कर लेते हैं, और बजीज की भाई एक फीमेल यहाँ है और एक फीमेल जो है वो यहाँ पे है, और कोई इन्होंने ब्रीडिंग नहीं करी है, बस समझ लें अब तो शायद सीज़न भी निकल गया। बाकी दाना पानी इनका मौजूद है और हमारा जो गार्डनिंग वाला सिस्टम है भाई वो यहाँ पे मौजूद है। तो भाई यहाँ की अपडेट हो गई, अब ज़रा मास्टर केज की तरफ चलते हैं। बाकी भाई मास्टर केज में सबसे पहले भाई RIR फैमिली वन की अपडेट लेंगे हम। RIR फैमिली वन ये रही भाई हमारी माशाल्लाह से RIR फैमिली वन, और गर्मी इनको भाई शदीद लग रही है, हाँप रहे हैं काफ़ी, और फीड भाई इनकी यहाँ मौजूद है, पानी भी मौजूद है, अंडे मैंने जो है वो ठा लिए थे इनके, और भाई माशाल्लाह से ये सारे हेल्दी एंड एक्टिव है। अंडों का रेशो ये है कि 5 मुर्गियाँ हैं ना यहाँ, 5 में से के 4 अंडे 3 अंडे तो आते हैं, 3 तो मस्त है, कभी 4 आ जाते हैं कभी 5 भी आ जाते हैं, तो उस तरीके से जो है वो सिचुएशन है इनकी। अंडे एग लेइंग अच्छी है इनकी RIR की माशाल्लाह से, और आप मुर्गे देखें भाई माशाल्लाह कितने अच्छे साइज़ हो गए मुर्गों के। जो हमारे बड़े वाले चूज़े हैं ना, छोटी मुर्गियाँ जिन्हें कह लें वो आखिर में दिखाऊंगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छे साइज़ हो गए इनके। तो अभी जो है वो मैं आपको ब्रामा एंड फैमिली दिखाता हूँ। ब्रामा एंड फैमिली ये रहे भाई ब्रामा एंड फैमिली, और माशाल्लाह से ये भी सब सेट है, हेल्दी एंड एक्टिव है, और इनका स्टिल भाई एक ही अंडा आ रहा है, एक के अलावा ये अंडा नहीं देते।
और फीड वगैरह भाई इनकी भर के रखी हुई है माशाल्लाह से। और RIR फैमिली टू, ये है भाई RIR फैमिली टू, और एक मुर्गी भाई वहाँ पर है। गोगर ने तो भाई अपनी जगह ये सेलेक्ट करी हुई है, यहीं पर ही खड़ा रहता है। और अंडा इनका भी आया नहीं आज, इन्होंने अंडा नहीं दिया कोई। बाकी ये इनकी अपडेट है माशाल्लाह से, हेल्दी एंड एक्टिव है। और इनके भाई दो चूजे आए हुए अभी रूटर में, इनके दो चूजे मौजूद हैं, वो दिखाता हूँ मैं। RIR फैमिली टू के हैं वो। अच्छा भाई अब जो है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ हमारे सबसे बड़े वाले चूजे कह लें, सबसे छोटी वाली मुर्गियाँ कह लें, वो दिखाते हैं आपको। और ये है भाई, ये है भाई माशाल्लाह से सारे जो है वो ऊपर यहाँ पे बैठे हुए अपने लकड़ी पे। और ये आप देखें भाई सबसे छोटा चूजा था, ये इस फ्लॉक में सबसे छोटा चूजा था। और आप इसका साइज आप देखें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह ये मुर्गा है। और बाकी भाई ये है, ये भी सबसे छोटे वालों में से था, सफ़ेद वाला। और इसका भी आप साइज देखें माशाल्लाह से, क्या साइज हो गया बेहतरीन। और कुछ मुर्गे जो है ना इसमें कुछ मुर्गों को मारते, जैसे ये है फर्स्ट वन, कौन सा था जो सबसे बड़ा था, आई थिंक वो पीछे बैठा हुआ है, नहीं वो नहीं था, या तो मेरे ख्याल से यही था जो सबसे पहले चूजा है, चूहा था यही जो है सबका लीडर बना हुआ है, सबको जो है वो डांट डपट कर रहा है। कुछ जो है वो यहाँ पे आए हुए, ये देखें भाई कितने, तो भाई यहाँ पे जो है वो डर के बैठे हुए। तो ये इनकी अपडेट है भाई। और मुझे काफ़ी दिन से बेगम कह रही है कि भाई आपको ये मुर्गी काटे हैं और बिरयानी बिरयानी बनाते हैं इसकी। मैंने कहा भाई टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, तो अब इनमें से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मुर्गे, इसमें से ज़्यादा है तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कोई दो तीन मुर्गों को जो है ना मैं इसमें से काट दूंगा। और जो सिमिलर कलर के हैं ना उनको मैं बेसिकली सोच रहा हूँ काट दूँ, और एक सोच रहा हूँ ये वाइट वाले को, और एक वो पीछे RIR को, और एक ये ब्लैक वाले को। इन तीन को जो है वो पहले मैं हलाल कर दूँ, और जो बिरयानी है या जो मीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है इनको कर लूँ। कुछ जो है मैं रखूँगा इंशाल्लाह, जैसे ये है माशाल्लाह बहुत अच्छा साइज़ है इसका, और इसके साथ जो है कुछ मुर्गियों का माशाल्लाह साइज़ बहुत अच्छा है। ये देखें आप माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुर्गी भी जो है वो पीछे है काफ़ी, इसका साइज़ नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छे साइज़ की है माशाल्लाह से। तो ये है भाई इनकी अपडेट माशाल्लाह से, हेल्दी एंड एक्टिव है ये। और ये ब्रामा वाली मुर्गी आपको दिखा दूँ, ये भी भाई काफ़ी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी हो गई है ब्रामा की मुर्गी। ये आ गए भाई इनकी अपडेट माशाल्लाह से, सारे हेल्दी एंड एक्टिव है। अब भाई ज़रा ब्रूडर की तरफ चलते हैं, ब्रूडर की क्या अपडेट है। अच्छा भाई ब्रूडर की अपडेट ये है कि इसमें जो है अच्छा अभी ये ट्रिप हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गर्माइश ज़्यादा है तो ट्रिप हुआ हुआ है ये। बाकी ये कि वेंटिलेशन इसकी चल रही है यहाँ पे प्रॉपर। इसमें कुछ होम ब्रीड्स हैं, ये जैसे RIR की होम ब्रीड्स हैं, ये RIR की होम ब्रीड्स हैं, और कुछ जो है वो ये जो मैं लेके आया था नज़रबट से, कौन से थे ये अब तो यकीन करें, RIR पाली हुई है ना तो RIR का नाम ही जबान पे चढ़ा हुआ है। दूसरा कौन सा था, लोमन ब्राउन, लोमन ब्राउन के बेसिकली चूजे हैं ये वाले, ये लोमन ब्राउन के चूजे हैं। और क्या हो गया, तुम तो स्टिल हो गए उस जगह, सब खैरियत है, हाँ सब खैरियत है माशाल्लाह। तो ये है भाई, इनको भी थोड़ी देर में फीड ऐड करेंगे। बाकी दो भाई मेरे पास RIR 2 के जो है वो चूजे आए हुए, ये देखें भाई RIR 2 के भाई कलर बहुत अच्छे हैं। और ये इनके यहाँ के पैर भी जो है वो लाल तरह के पैर हैं इनके, इस तरह होते हैं। तो ये है भाई RIR 2 के चूजे, और इनका भी मैंने पानी और फीड यहाँ पर रखा हुआ है। असल में छोटे हैं, अभी दो तीन दिन पहले ही हैच हुए थे, मैंने इनको अलग रखा हुआ, इनके साथ मिक्स ही किया। तो ये इनकी अपडेट है। बाकी भाई अपना इंक्यूबेटर भी अभी चल रहा है, अंडे इसमें असल में है कम, तो अभी मैंने तकरीबन हाफ इसमें अंडे रखे हुए हैं। और लाइन मैंने कुछ और किया हुआ है अंडों को, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो हो सकता है जो मैं अपने दोस्त को ये इंक्यूबेटर दे रहा हूँ ये वाला, तो उसको मैं अंडे भी दे दूँ, फिर मैंने उसको मतलब ये बता दूँगा कि भाई जो हैचिंग होगा अपने पास तुम रख लेना, फिर बाकी इंशाल्लाह बकरीद के बाद मैं देखूँगा टाइम मिलेगा तो अपने लिए इंक्यूबेटर बना के तो प्रॉपर इंशाल्लाह अंडे रखेंगे, क्योंकि अंडे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हुए हैं यहाँ पे अंडे रखे हुए। बाकी भाई दोस्तों ये थी अपडेट, मोस्ट अवेटेड अपडेट थी, और इसमें कोई अपडेट मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स में लाजी बताइएगा। अब कोशिश करूँगा दो तीन दिन बाद या एक दिन छोड़ के जो है वो मैं इसका अपडेट जो है वो लेके आता रहूँ। टाइम का इशू हो रहा है, व्लॉग्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से चल रहे हैं, मंडी के भी फार्म्स के भी, तो इस तरह से जो है वो टाइम को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो ये था दोस्तों आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।